सो हरे कृष्णा, वी वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आप सभी का स्वागत है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बिगिन टुडे सेशन विद प्रेयर्स। आज का सेशन हम प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले कल जो हमने सीखा उसको एक बार दोहरान करते हैं। तो कल हमने जाना हु एम आई। तो कल प्रभु ने आपको बताया कि हम कौन हैं। हम सब सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, लेकिन कल हमने सीखा कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं। मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, मानव शरीर है कश्ती, भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती, आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की। फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती और साथ में मस्ती ही मस्ती। तो वी शुड अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए कि सबसे जरूरी क्या है, हम हमारा शरीर या आत्मा। हमारी जो असली पहचान है वो आत्मा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उसका मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है उस समय पर वहाँ पर कुछ लोग, कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं एंड दे क्राई, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चले गए चले गए चले गए चले गए। उनसे जाकर पूछिए कौन चले गए, जो व्यक्ति चला गया है वो क्या वो वास्तव में वो व्यक्ति जो चला गया है वो वास्तव में शरीर है या आत्मा है। क्योंकि मरने से पहले, मरने के बाद शरीर एक जैसा दिखता है। तो व्यक्ति जो चला गया है वह शरीर नहीं है बल्कि उस शरीर के अंदर उसकी असली पहचान वो है आत्मा। और भी कई उदाहरणों के माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे भगवद गीता में लिखा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर एक दिन हम वृद्ध हो जाते हैं और उसके बाद हम दूसरा शरीर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस परिवर्तन से जो विमुख नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वो धीर पुरुष कहलाता है। कभी आपने आपका बचपन का फोटो देखा होगा, आप हंसेंगे, आप ऐसे दिखते थे। मेडिकल साइंस भी बोलता है कि हर 7 साल के बाद, आफ्टर एवरी 7 ईयर्स, हमारे शरीर का एक एक सेल बदल जाता है। तो हम अपना शरीर बदल रहे हैं लेकिन हमारी जो असली पहचान है वो आत्मा है। तो वी आर स्पिरिट, देन अवर लाइफ शुड बी स्पिरिचुअल। जब हम स्पिरिट हैं, जब हम आत्मा हैं, तो हमारा जीवन आध्यात्मिक। इफ वी आर स्पिरिट अवर लाइफ शुड बी स्पिरिचुअल, देन वी नीड स्पिरिचुअल मास्टर टू लीड स्पिरिचुअल लाइफ एंड स्पिरिचुअल मास्टर विल टेल अस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड इफ वी परफॉर्म स्पिरिचुअल एक्टिविटीज डेफिनेटली वी विल सी लॉट ऑफ पीस हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन इन अवर लाइफ। सो दिस वॉज देयर इन यस्टरडे सेशन एंड टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। द नेम इज डीमिस्टिफाइंग वर्ल्ड रिलीजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं उनकी क्या मिस्ट्री है, उनका क्या रहस्य है, क्या वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर वो अलग अलग हैं, क्या भगवान एक है। अगर एक भगवान है तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवानों की पूजा क्यों की जाती है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आज हमारे समाज में बहुत प्रचलित हैं और शास्त्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, मैनी ऑफ अस
don't know the exact answers to these questions. So today's session is very very important. आज का सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है. So I request each one of you to be with me, be with us till end of the session. And if you have any questions, अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. I will try to answer. मैं उनके उत्तर देने की आपको कोशिश करूंगा. तो आज हम वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में जानेंगे. क्या जानने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलीजन शब्द का अर्थ क्या होता है, धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है. फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे रिलीजन्स क्यों हैं, वाई सो मैनी रिलीजन्स. फिर हम जानेंगे कि कितने सारे भगवान क्यों हैं, वाई सो मैनी गॉड्स. देन वी विल अंडरस्टैंड कि जितने भी धर्म दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो कौन सा धर्म कितना पुराना है, विच रिलीजन इज हाउ ओल्ड आर डिफरेंट रिलीजन्स. और कोई व्यक्ति बोले मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा और मैं सबका भला करूंगा, अपने काम से काम रखूंगा, तो मुझे धर्म किसी धर्म को पालन करने की क्या आवश्यकता है. तो इन सब बातों के हम आज उत्तर जानने की कोशिश करेंगे. और अंत में आई विल नॉट डिस्क्लोज नाउ, इन द ड्यू कोर्स ऑफ सेशन, सेशन के दौरान ही मैं आपको और भी कुछ रोचक बातें बताने की कोशिश करूंगा. तो आज का सेशन, टुडे सेशन, आई हम्बली डेडिकेट टू हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस डेफिनेशन को, धर्म की परिभाषा को पूरे विश्व को बताया. उनके जो अनुयायी, उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो शिष्य थे, हर धर्म से उन्होंने कृष्ण भावनामृत को साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से लिया. क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहे थे, जो मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे थे, जिस भी धर्म का पालन कर रहे थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के इस हरे कृष्णा मूवमेंट में शरण ली. दे ज्वाइंड दिस मूवमेंट एंड दे फॉलोड द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता. तो उनकी शिक्षाओं के आधार पर, भगवद गीताओं की शिक्षाओं के आधार पर, शास्त्रों की शिक्षाओं के आधार पर, हमारे स्क्रिप्चर्स की शिक्षाओं के आधार पर हम आज का ये सेशन इस समझने की कोशिश करेंगे. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, हम जो भी बोलेंगे वो भगवद गीता के आधार पर बोलेंगे. आप रियल लाइफ देखते हैं, जैसे रियल लाइफ मतलब नाटक देखते हैं, तो नाटक में नाटक शुरू होता है, उससे पहले वो बोलता है कि इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है. अगर कोई संबंध पाया जाता है तो ये एकमात्र संयोग है. लेकिन अभी ये जो धारावाहिक चल रहा है, ये धारावाहिक जो आप हमारे साथ सुन रहे हैं, हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, ये धारावाहिक काल्पनिक नहीं है. इस धारावाहिक का एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है. इस धारावाहिक में जो भी आपको बताया जाएगा वो शास्त्रों पर आधारित है, हमारे वैज्ञानिक स्क्रिप्चर्स पर, वैदिक नॉलेज पर आधारित है. और इसका हम सबके जीवन से, इस ज्ञान का हम सबके जीवन से बहुत गहरा संबंध है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. सो डेफिनेशन ऑफ धर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग. अगर मैं बोलूं धर्म, तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, रिलीजन शब्द का अर्थ क्या होता है. अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि पानी का धर्म क्या है, धर्म का मतलब किसी वस्तु की ऐसी विशेषता जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है, तो पानी का धर्म है लिक्विडिटी, बहना. अच्छा, चीनी का धर्म क्या है, चीनी का धर्म है मिठास, स्वीटनेस. अच्छा, आग का धर्म क्या है, आग का धर्म है हीट एंड लाइट, है ना, ऊष्मा प्रदान करना और हीट, है ना, गर्मी देना, ये आग का धर्म है. कभी आपने देखा है ठंडी आग, कभी नहीं देखा होगा. तो किसी वस्तु की ऐसी विशेषता जिसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है, वो उस वस्तु का धर्म है. तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि हमारा धर्म क्या है. फिर हमारे अंदर, हम सभी के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जिसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता है.
सोच के देखिए, ऐसी विशेषता है सेवा करना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस सर्विंग समबडी। हम में से हर कोई, इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है। तो कुछ लोगों को कोई भी नहीं मिलता है सेवा करने के लिए, तो वो कुछ दे विल हैव सम पेट्स, उनको पालतू जानवर ले लेंगे, उनकी सेवा करेंगे। कोई अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है। लेकिन एक प्रश्न पूछ के देखें हम खुद से ही, अब तक जो भी सेवा हम कर रहे हैं, कोई भी अछूता नहीं है, हर कोई इस दुनिया में कोई ना कोई सेवा कर रहा है। तो जब हम सेवा कर रहे हैं, तो जो भी सेवा कर रहे हैं, हम सब ये सोच के कर रहे हैं कि इस सेवा के बदले हमें एक सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और वो सुख परमानेंट होगा, हमेशा के लिए होगा। लेकिन सोच के देखिए, क्या हमें वैसा सुख मिल रहा है? आर वी हैप्पी आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड? आर वी फुली हैप्पी? Recently, you would have seen a famous actor committed suicide. Everybody is serving somebody in this world, but none of us are completely happy. Please ask this question to ourselves. Iska matlab ye hua, the meaning is that, the understanding is that we are डूइंग सर्विस एट रॉन्ग प्लेस। हमारी सेवा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ घोटाला है, हमारी सेवा में वायरस आ गया है। अच्छा, तो फिर किसकी सेवा करें, किस व्यक्ति की सेवा करें जिससे कि कभी भी हमें बदले में दुख ना मिले, हमेशा सेटिस्फेक्शन मिले, हैप्पीनेस मिले? तो हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ भगवान के नियमों का पालन करना, भगवान की सेवा करना। तब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित बात है कि हम खुश रहेंगे। आइए अब हम और थोड़ा इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, धर्मा, धर्मा मीन्स इटरनल इनसेपरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक वस्तु की ऐसी विशेषता जिसको से अलग नहीं किया जा सकता है। एज आई टोल्ड यू, धर्मा ऑफ फायर, धर्मा ऑफ वाटर, धर्मा ऑफ सुगर एंड धर्मा कैन नॉट बी चेंज्ड। धर्म को बदला नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको पृथक या अलग नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। पानी से उसकी लिक्विडिटी, उसका बहने की प्रवृत्ति को आप अलग नहीं कर सकते। तो और अंग्रेजी डिक्शनरी में रिलीजन शब्द का अर्थ बताया गया है कि इट्स ए काइंड ऑफ बिलीफ, है ना। तो बिलीफ और फेथ तो बदल सकता है, लेकिन धर्म नहीं बदल सकता है। सो हियर यू कैन रीड, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फेथ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल सकता है। चेंज विद द चेंज ऑफ द बॉडी, जब शरीर बदलता है तो हमारा रिलीजन बदल सकता है। आज आप भारत में, अगले जीवन में आप दूसरे देश में जन्म ले लेंगे, तो वहां पर आपका धर्म दूसरा हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा का धर्म है, सेवा करना, भगवान की सेवा करना, वो कभी नहीं बदल सकता। सो एज वी अंडरस्टूड, सो अवर धर्मा इज टू सर्व। हमारा धर्म है सेवा करना, बट टू हूम बी सर्व? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एक पुस्तक है, उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, द रीजन फॉर इज दैट द सर्विंग बींग रेंडर्ड इज नॉट प्रॉपरली डायरेक्टेड। हम सेवा करके पूर्णतः आनंदित नहीं है, इसका कारण यह है कि हमारी सेवा सही जगह पर नहीं हो रही है। जैसे कि एक पेड़ होता है, मैं आपसे बोलूं, इस पेड़ के सभी पत्तियां, इसके तना, सब कुछ हरा भरा होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप पानी लेंगे और पत्तियों में पानी डालेंगे, ऐसा करेंगे क्या आप? ऐसा नहीं करेंगे आप। तो फिर क्या करेंगे आप? उस पेड़ की जड़ में आप पानी डालेंगे। जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे,
तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवत गीता में लिखा है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, हम सभी कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा श्लोक है, मैं इसको पढ़ूंगा। श्लोक श्लोका इज यथातरोर मूल निषेचनेना तृप्तन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम् अच्युतेज्या। इसका मतलब ये है कि जब जिस प्रकार हम पेट को भोजन देते हैं तो पूरा शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें हम जब भगवान की सेवा करते हैं जिनके हम अंश हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धर्मा ऑफ सोल इज टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड। आपको कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कालांतर में, ड्यू कोर्स ऑफ द सेशन मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक बहुत अच्छी कहानी है महाभारत की, इससे इस कहानी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अक्षय पात्र जो है वो कैसे अस्तित्व में आया। एक पात्र है अक्षय पात्र, उस वो पात्र सूर्य देवता ने द्रौपदी को दिया और उस पात्र की ये खासियत थी कि इस पात्र से खाना कभी भी समाप्त नहीं होगा जब तक द्रौपदी ना खा ले, द्रौपदी खा लेगी उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि एक मुनि थे, थोड़ा गुस्सा करते थे, उनको गुस्सा आ जाता था। तो दुर्वासा मुनि एक बार दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन उनका खूब आदर सत्कार करता है और उसके बाद दुर्योधन दुर्वासा मुनि को बोलता है कि मेरे जो भ्राता हैं, मेरे भाई लोग हैं पांडव, वो जंगलों में हैं, क्यों ना आप उनके भी पास जाइए। दुर्योधन ने ये बात इसलिए बोली कि वो तो जंगल में है, दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ हैं जंगल में, दुर्वासा मुनि उनके पास जाएंगे और वो उनका आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे तो दुर्वासा मुनि नाराज हो जाएंगे और उनको श्राप दे देंगे। तो दुर्वासा मुनि जंगल में गए, युधिष्ठिर महाराज से मिले और युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि हम नदी में स्नान करने जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, आप तब तक हमारे लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखिएगा। तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो जाते हैं, वो द्रौपदी से पूछते हैं तो द्रौपदी बोलती है कि मैंने तो उस पात्र में से खा लिया, अब तो बचा नहीं है। तो पांडव जब भी संकट में आते थे और हमेशा वो भगवान कृष्ण को याद करते थे, तो कृष्ण भगवान को याद करते हैं, भगवान कृष्ण वहाँ पर आते हैं और उस पात्र को लेते हैं और उस पात्र में एक चावल का दाना बचा था और उस चावल के दाने को खा लेते हैं और ऐसे जोर से डकार लेते हैं। इधर भगवान कृष्ण ने वो चावल का दाना खाया और एक ऐसी लीला हुई कि उधर नदी में दुर्वासा मुनि और उनके शिष्य जो स्नान कर रहे थे उन सबको भी ऐसा लगा कि उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, इफ कृष्णा इज हैप्पी विद अवर सर्विस एवरीबडी इज हैप्पी। वी विल अंडरस्टैंड मोर इन द सेशन। सो लेकिन एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है, तो क्या भगवान हमसे सेवा लेना चाह रहे हैं? वो तो सेल्फिश हैं, मतलब सेवा लेना चाह रहे हैं हमसे। तो इस बात को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, वंस अपॉन ए टाइम व्हाट हैपेंड, जितने भी इंद्रियां हैं हमारी, मुंह हाथ पैर, इन्होंने एक मीटिंग रखी, यार हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये जो पेट है हमारा, पेट है वो खा लेता है, इसमें चला जाता है, ये तो कुछ करता नहीं है, तो क्या करते हैं हम, पेट को खाना खिलाना बंद कर देते हैं। तो सभी ने स्ट्राइक कर दिया कि पेट को आज से खाना नहीं देंगे। मुंह ने बोला नहीं मैं नहीं अंदर डालूंगा खाना, हाथ ने बोला मैं नहीं मुंह पे लेके आऊंगा, तो ऐसे ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया। कुछ दिनों बाद क्या होता है, हाथ ऐसे हो गया, आंख खोली नहीं जा रही है ना, मुंह भी लटक गया, तो फिर क्या हुआ, सभी इंद्रियों ने ऑल सेंसेस, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग किया, अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। तब उनको समझ में आया कि नहीं, पेट को खाना देंगे तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल
वी हैव टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा. अंटिल और अनलेस वी डोंट सर्व कृष्णा, देयर इज नो चांस ऑफ हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन इन अवर लाइफ. वी विल अंडरस्टैंड मोर इन द सेशन. ओके, सो द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है कि इतने सारे धर्म क्यों है, वाई सो मैनी रिलीजन्स आर देयर. एंड वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट रिलीजन इज बेस्ट विच टीच यू हाउ टू लव गॉड. वह रिलीजन सबसे अच्छा है जो हमें ये बताए कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए. सो बहुत ज्वलंत प्रश्न है, आपसे पूछा भी होगा किसी ने ये प्रश्न कि इतने सारे धर्म क्यों हैं, वाई सो मैनी रिलीजन्स आर देयर. वी सी पीपल वर्शिपिंग वेरियस गॉड्स, हम देखते हैं लोग नाना प्रकार के, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, शुक्रवार को ये, अलग अलग पूरा लिस्ट बना रखा है, उसके अनुसार हम सेवा पूजा करते हैं. इतने सारे रिलीजन्स क्यों हैं, इतने सारे देवी देवताएं क्यों हैं, कोई शिवा की पूजा करता है, कोई काली की करता है, कोई सरस्वती की करता है, कोई नरसिंह की करता है, कोई गणेश जी की करता है, कोई किसी की करता है, तो क्या कारण है इतने धर्म होने का, क्या कारण है इतने भगवान होने का, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं. वाई सो मैनी रिलीजन्स, वाई सो मैनी गॉड्स, और मैं किसको फॉलो करूं, किस पर विश्वास करूं, विच गॉड शुड आई वर्शिप, किसकी सेवा करूं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइए जानने की कोशिश करते हैं. और हर कोई बोलता है कि जो जिस भगवान की मैं सेवा कर रहा हूं वो बेस्ट है, वो सबसे अच्छा है. अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं. जब आप भारत में हैं तो क्या आप बोलेंगे कि भारतीय सूर्य को मैं देख रहा हूं? जब आप अफ्रीका में हैं आप बोलेंगे आई एम सीइंग अफ्रीकन सन, I am seeing Chinese sun. मैं जब चाइना में हूं तो I am seeing Chinese sun. Can you say like that? क्या आप ऐसे बोल सकते हैं? नहीं. जिस प्रकार सूर्य एक है उसी प्रकार भगवान भी एक है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्मों में उसी भगवान को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. So this is the understand, ये real समझ है. There is only one God, एक ही भगवान है, और उसी भगवान को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. कोई बोलता है अल्लाह, कोई बोलता है फादर इन हेवन, कोई बोलता है कृष्णा, कोई बोलता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, और कोई कुछ बोलता है. So the conclusion is that all the bonafide religions and scriptures being word of that one God teach the same truth in essence. और सभी शास्त्र हैं, सभी धर्मों के जो शास्त्र हैं, आप बाइबल ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, उनका जो निष्कर्ष है, उनमें जो बातें बताई गई हैं लगभग एक जैसी हैं. क्या बातें हैं? God is one, भगवान एक है. Develop love for God, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कीजिए. और obey God's law, भगवान के जो नियम है उनका पालन कीजिए. और sin no more, पाप मत कीजिए, यही बातें बताई गई हैं. Glorify the holy name of the God, हर धर्म में भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है. क्रिश्चियनिटी में रोजरी बीट्स होता है, और मुस्लिम धर्म में अल्लाह अकबर पुकारते हैं, हम लोग भी भगवान का नाम लेते हैं. हर धर्म में भगवान के नाम को ग्लोरीफाई, उसको प्रशंसा की गई है. रेंडर सर्विस टू गॉड, भगवान की सेवा कीजिए. रिटर्न टू द किंगडम ऑफ गॉड, और भगवान के धाम वापस जाइए. सभी धर्मों में यही बात बताई गई है. लेकिन मजेदार बात यह है कि ये जो मैसेज है, भगवान का जो मैसेज है, वो लोगों को भगवान का मैसेज या तो भगवान के द्वारा स्वयं या फिर उनके प्रतिनिधि के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लोगों को इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये ज्ञान दिया गया है. और अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, उस व्यक्ति में कितनी कैपेसिटी है. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं. अगर ये छोटा बच्चा है, एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा, इसको आप पूछो, अच्छा बेटा ये बताओ, दो में से पांच जाएगा तो कितना बचेगा?
तो वो बोलेगा आप पागल हो गए हो। दो में से पांच कैसे जाएगा, छोटा बच्चा तो यही बोलेगा ना। लेकिन आप थोड़े बड़े बच्चे के पास जाइए, बड़े स्टूडेंट के पास जाइए, वो बोलेगा हाँ दो में से पांच जाएगा तो माइनस तीन होगा। और थोड़ा बड़ा कॉलेज स्टूडेंट वो अल्फा बीटा गामा कॉस थीटा साइन थीटा इनकी बात करेगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं टीचर इंस्ट्रक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। टीचर छात्र की क्षमता के अनुसार ही बताता है। ठीक उसी प्रकार डिफरेंट रिलीजन्स टीच सेम प्रिंसिपल, अलग अलग धर्म एक ही सिद्धांत को बताते हैं, एक ही सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेसेस एंड सर्कमस्टांसेस एंड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल, देश काल और परिस्थिति के अनुसार और उस व्यक्ति की वहां के लोगों की कितनी क्षमता है उसको समझने की। और भी आपको समझ में इस उदाहरण से आ जाएगा, जैसे जीसस क्राइस्ट जब आए तब उन्होंने 10 कमांडमेंट दिए और उनमें से एक कमांडमेंट क्या दिया, दाउ शैल नॉट किल, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए ये कमांड ये निर्देश किसको दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं चोरी मत करो, किसको बोलेंगे आप कि चोरी मत करो, आप उसी व्यक्ति को बोलेंगे जिसको चोरी करने की आदत है। तो जीसस क्राइस्ट ने ये निर्देश दिया कि दाउ शैल नॉट किल, मतलब किसको निर्देश देंगे, ऐसे लोगों को जो बारबेरियंस हैं, जो गिरे हुए हैं, जो अंधाधुंध हत्याएं कर रहे हैं, जीवों की हत्याएं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो निर्देश देंगे, ऐसा निर्देश देंगे। एज आई टोल्ड यू, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जीसस ने 3 साल तक ये प्रचार किया, इस बात को बताया, लेकिन उन लोगों ने मर्सी लेसली बिना किसी दया के खुद जीसस को ही क्रूसीफाइड कर दिया, उनकी ही हत्या कर दी। तो समझ में आया, जीसस ने ये निर्देश दिया दाउ शैल नॉट किल अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस एंड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन उसके विपरीत जब हम श्रीमद् भागवतम की बात करें, जीसस ने बाइबल बोला ऐसे लोगों को जो बारबेरियन है, उनको ऐसे कमांडमेंट दिए, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है वो किसको बोला गया, श्रीमद् भागवतम ऐसे लोगों को बोला गया जो जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, those who have dedicated their life, जिन्होंने अपना। तो क्या सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे उनसे thou shall not kill, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपना जीवन दे दिया है, ये पूरा सभी कठिन कठिन नियमों का पालन कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उनको उच्च कोटि के निर्देश देंगे जो कि श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं। आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और अच्छी बात, एक और बात ये कि जीसस क्राइस्ट टोल्ड हिज फॉलोअर्स, जीसस क्राइस्ट ने अपने फॉलोअर्स से बोला आई हैव येट मैनी थिंग्स टू से यू बट यू कैन नॉट बियर देम नाउ, मुझे और भी बहुत सारी बातें पता है जो मैं आपको बोल सकता हूं लेकिन अभी आप उनको झेल नहीं सकते हो। तो जीसस को पता था, ये इतना ही समझ सकते हैं। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्याज ज्ञात्वाभ्यम अवशिष्यते। इसका तात्पर्य ये है, अर्जुन नाउ आई शैल डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज, अब मैं पूर्णतः एक ज्ञान देने वाला हूं आपको, और इस ज्ञान को जानने के बाद वंस बीइंग नॉन नथिंग शैल रिमेन फॉर यू टू नो। ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन अगर आपने ले लिया तो आपको कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने कि ये ज्ञान, ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, वो उच्च श्रेणी का है, उच्च कोटि का है। जैसे कि पॉकेट डिक्शनरी होती है, पॉकेट डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो दोनों में कॉमन है, दोनों में पाए जाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे शब्द हियर स्मॉल प्ले, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होंगे जो केवल ऑक्सफोर्ड बड़ी डिक्शनरी में मिलेंगे और छोटी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार सभी धर्म सही हैं, लेकिन वो धर्म अकॉर्डिंग टू दी
कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल उनको दिए गए हैं। तो मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो सिमिलरली एज अगेन आई एम टेलिंग यू सिमिलरली बेसिक इंस्ट्रक्शंस विच वन विल फाइंड इन ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों में मूल जो बेसिक जो निर्देश हैं जो पाए जाते हैं वो क्या है, डू नॉट स्टील, चोरी मत करो, लव एवरीवन, सबसे प्रेम करो, फॉरगिव योर एनिमी, अपने शत्रु को क्षमा कर दो। लेकिन जो उच्च कोटि के जो निर्देश हैं वो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कुंती महारानी का नाम तो आपने सुना होगा, कुंती देवी का, पांडवों की माँ। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद द्वारिका जाने वाले थे तब कुंती महारानी उनके पास जाती हैं, श्रीमती कुंती देवी उनके पास जाती हैं और उनको बोलती हैं, I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again। जितने भी कष्ट हे कृष्ण, हमें जितने भी कष्ट मिले वो फिर से भले ही मिलते रहें लेकिन तुम हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ रहें। क्या कभी हम ऐसा करते हैं, 3 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है और फिर हम भगवान के पास जाएं और मंदिर में बोले भगवान बहुत आनंद आ रहा है अब थोड़ा दुख दे दो। हम कभी ऐसी प्रार्थना जाके नहीं करेंगे, लेकिन ये उच्च कोटि के इंस्ट्रक्शन है। तो अभी तक हमने क्या जाना, धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है, सेवा करना। हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। अलग अलग प्रकार के गॉड्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, सबका भगवान एक है, सभी रिलीजन्स के बेसिक इंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन टाइम प्लेसेस एंड सर्कमस्टांस के इसके अकॉर्डिंग, देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शंस इस दुनिया में दिए गए हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो कितने, कौन सा रिलीजन कितना पुराना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस्लाम 1400 साल पुराना है, क्रिश्चियनिटी अभी 2020 चल रहा है 2019 साल पुराना है, बुद्धिज्म 2500 साल पुराना है, भगवद गीता 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली, और उससे भी पहले सनातन धर्म इस सृष्टि के निर्माण से पहले से ही चला आ रहा है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 4th अध्याय में बोल रहे हैं कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने आपसे पहले विवस्वान को दिया था, जो सन गॉड है, जो सूर्य के राजा हैं, सूर्य जो है उनको दिया था, उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, लेकिन कालांतर में ये ज्ञान नष्ट हो गया तो परंपरा टूट गई, तो मैं आपको दे रहा हूं। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, इसकी गणना की जाए, तो हम पाएंगे 120 मिलियन ईयर्स अगो लॉर्ड कृष्णा गेव दिस नॉलेज टू सन गॉड। तो हम देख सकते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान कितना पुराना है। और उसके बाद फिर से अर्जुन को बोला गया ये ज्ञान। श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि अवर प्रोपोजिशन इज दैट वेदर यू आर ए क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लव हिम। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी आप भगवान से प्रेम करना सीखिए। जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, टू पावरफुल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हैव डन ट्रेमेंडस सर्विस ऑन सरफेस ऑफ द ग्लोब, है ना, दोनों ने पृथ्वी पर बहुत अच्छी सेवा की। तो प्रभुपाद उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अवर बिजनेस इज नॉट दैट हम एक हिंदू को क्रिश्चियन बनाएं, क्रिश्चियन को हिंदू बनाएं, ये हमारी बिजनेस नहीं है। प्रभुपाद फिर से बोल रहे हैं एनी रिलीजन यू मे प्रोफेस, किसी भी धर्म का आप पालन करें, इट डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। आई वॉन्ट टू सी वेदर यू हैव गॉट द रिजल्ट ऑफ रिलीजन, धर्म का रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसका परिणाम क्या होना चाहिए, उसका परिणाम भगवान से प्रेम। वो परिणाम अगर आपको मिल रहा है तो आप सही धर्म को पालन कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर तो इतने दंगे हो रहे हैं, इतनी लड़ाई हो रही है, मारकाट हो रही है, We see so many things are happening धर्म की वजह से। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटीमेंट, ध्यान से समझिएगा इस स्टेटमेंट को, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटीमेंट, रिलीजन है, धर्म है, लेकिन फिलोसफी नहीं है। आप बोल रहे हैं अरे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन क्या आपने भगवद गीता पढ़ी है, क्या आपने कुरान पढ़ी है, आप धर्म के वो तो बन गए, ओके मैं ये धर्म पालन करता हूं, लेकिन उस धर्म के बारे में आपको पता नहीं है, उसके शास्त्र पता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंटीमेंट।
और फेनेटिज्म बोलेंगे, ऐसे ही पागलपन में उसका पालन करना। और फिर प्रभुपाद बताते हैं फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। आपने खुद की फिलॉसफी बना ली और बोल दिया यही मेरा धर्म है। पहले तो हमें प्रामाणिक धर्म का पालन करना है और उस धर्म में जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना है, तब हमें पता चलेगा कि जीवन को कैसे जीना है। द स्क्रिप्चर्स दिस स्क्रिप्चर्स दीज आर लाइक मैनुअल्स ऑफ द लाइफ। ये हमारे जीवन के मैनुअल्स हैं कैसे जीवन को जीना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इट इज ए फैक्ट दीज डेज पीपल फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर लोग लड़ाई करते हैं। मैनी सजेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि यार धर्म के नाम पर इतना दंगा हो रहा है, छोड़ दो धर्म को, कोई धर्म अपने काम से काम रखो और कोई धर्म का पालन मत करो। अच्छा मुझे आप ये बताइए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो गया है, उसकी आंख में मोतियाबिंद कैटरेक्ट है, तो वो सर्जन के पास जाएगा, सर्जन क्या करेगा, आंख को निकाल देगा ना? सर्जन आंख को नहीं निकालेगा, आंख में जो समस्या है उसको उसका समाधान करेगा। ठीक उसी प्रकार हमें धर्म को नहीं छोड़ना है, हमें धर्म में जो गलती है उसको सही करना है और सही धर्म का रियल रिलीजन वी हैव टू फॉलो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पीपल में से कि धर्म की वजह से बिकॉज द रिलीजन वॉर्स आर हैपनिंग, कम्युनल टेंशन आर हैपनिंग, टेररिज्म, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ धर्म, बट सॉल्यूशन इज नॉट टू अवे विद द रिलीजन, सॉल्यूशन इज टू प्रैक्टिस द ट्रू रिलीजियस प्रिंसिपल। सही धर्म के सिद्धांतों का पालन करना ही उपाय है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि सर्जन आंख को नहीं निकालेगा, वह आंख में जो मोतियाबिंद है उसको सही करेगा। तो हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चर से धर्मे हीना पशु भी समाना। अगर कोई धर्म का पालन नहीं करना कर रहा है तो वो पशु के समान है। विदाउट रिलीजन रिलीजियस प्रिंसिपल वी आर नो बेटर देन एनिमल्स। ये शास्त्रों में लिखा है, दिस इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स कैन नेवर बी रॉन्ग, आइदर यू कैलकुलेट साइंटिफिकली और लॉजिकली, वट एवर बी द वे यू कैलकुलेट, स्क्रिप्चर्स आर सेइंग। आइए अब हम एक बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो निष्कर्ष, अभी तक हमने जो चर्चा की, अभी तक जो डिस्कशन किया, उसका निष्कर्ष ये है कि हमें धर्म छोड़ना नहीं है, सही धर्म को समझना है और उसका पालन करना है। और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो ये है कि हम क्या हम भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, आर वी डेवलपिंग लव फॉर गॉड। लेकिन अभी तक मैंने भगवान कृष्ण और ना, आप लोग सोचते होंगे कई बार सोचते होंगे कि हम लोग जो हरे कृष्णा डिवोटीज हैं हमेशा कृष्ण 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 की बातें करते हैं, कृष्ण ये बोलते हैं, कृष्ण वो बोलते हैं, कृष्ण ही क्यों, आप लॉर्ड शिवा की बात क्यों नहीं करते, ब्रह्मा जी की बात क्यों नहीं करते, आप पार्वती की बात नहीं क्यों नहीं करते। तो चलिए आज हम इस रहस्य को निकालते हैं, इसका उत्तर देते हैं आपको। तो हम पहले ये समझते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं बलवान, तो आप बोलेंगे जिसके पास बल है वो बलवान। थोड़ा समय का थोड़ा सा अभाव है, फिर भी हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड। सो भगवान बलवान, जिसके पास बल है, रूपवान, जिसके पास रूप है, धनवान, जिसके पास धन है। ऐसे ही भगवान, जिसके पास भग है। ये भग क्या होता है, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। किसी के पास ऑपुलेंस ऐश्वर्य है तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। ये ऐश्वर्य छह प्रकार के होते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप इस दुनिया में किन प्रकार के लोगों से आकर्षित होते हैं। या तो आप एक ऐसे व्यक्ति से आकर्षित होंगे जो बहुत फेमस है, बहुत यश है उसको, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति से आकर्षित होंगे जिसके पास बहुत पैसा है, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति से आकर्षित होंगे जो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ज्ञान है उसको, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति से आकर्षित होंगे जो बहुत बलशाली है, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति से आकर्षित होंगे जो बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, हैंडसम, या फिर
आप एक ऐसे व्यक्ति से आकर्षित होंगे जो रिनाउंस्ड है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है। हालांकि ऐसे व्यक्ति से हम लोग कम आकर्षित होते हैं। एनीवे, तो अगर एक ही व्यक्ति जिसके पास ये छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, वन पर्सन हैविंग ऑल दीज ऑपुलेंसेस अनलिमिटेडली, क्या आप उस व्यक्ति से आकर्षित नहीं होंगे? उससे हर कोई आकर्षित होगा, और उस व्यक्ति का नाम भगवान है। ये भगवान की डेफिनेशन है, हमारे स्क्रिप्चर्स में ये परिभाषा दी गई है। आइए हम समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीम। सो वैदिक लिटरेचर से हमें एक डेफिनेशन मिलती है, पराशर मुनि हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भग इतीन गणा। इसका मतलब ये है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्ट्रेंथ मीन्स बल, फेम यश, वेल्थ मतलब धन, और नॉलेज ज्ञान, ब्यूटी सुंदरता, और रिनंसिएशन वैराग, एक ही व्यक्ति के पास ये छह ऑपुलेंस, छह ऐश्वर्य जब अनलिमिटेड हो, वो व्यक्ति भगवान है। अब आइए हम समझते हैं, क्यों हम बोलते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी देवी देवताएं हैं। तो क्या अंतर है देवी देवताओं में, भगवान में, कृष्ण भगवान कैसे हैं? इन प्रश्नों के उत्तर अभी बस आपको 5-10 मिनट में मिलने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप भगवद गीता पढ़िए, और आप जिन भक्तों के संपर्क में उनसे आप चर्चा कीजिए, बहुत अच्छे से वो आपको समझाएंगे। तो एक एक करके समझते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा धनी हैं। तो देर आर मैनी वेल्दी मैन इन द वर्ल्ड, बहुत सारे धनी लोग हैं इस दुनिया में, है ना, बहुत पैसा है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है ना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, कोई ये नहीं बोल सकता। बट गॉड कृष्णा पजेजेस ऑल वेल्थ, भगवान श्री कृष्ण की पूरी संपत्ति है। कैसे कैसे है, जब भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं अर्जुन को कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, कि अर्जुन भोक्ताराम, आई एम दी भोक्ता, एवरीथिंग मैं इंजॉयर हूं जो कुछ है, सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ ऑल द लोका, जितने भी लोक हैं उनका मैं मालिक हूं। एंड जो इस बात को जानता है वो शांत रहता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उनका मैं सबसे बेस्ट फ्रेंड हूं, उनका वेल विशर हूं, शुभ चिंतक हूं। तो ये भगवान भगवदगीता बोलते हैं, और वैसे भी भगवान भगवत गीता में डिक्लेयर करते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक संसार हैं मैं उनका सोर्स हूं, स्रोत हूं। और क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, अब इन बातों को आपके हार्ट में उतारने के लिए यू शुड हैव कंप्लीट फेथ ऑन भगवत गीता। और भगवत गीता में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत मींस एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। और भगवत की और क्या बोल रहे हैं, और जब भगवान श्री कृष्ण यहां पर लीला कर रहे थे तो उनकी कितनी रानियां थी, 16108 रानियां और उनके 16108 महल। और ये विज्ञान, आज की मॉडर्न साइंस ने भी, विज्ञान ने भी ये खोज निकाला है कि समुद्र में एक ऐसी सिटी हुआ करती थी, एक ऐसा शहर हुआ करता था। तो वी कैन अंडरस्टैंड इन अमेरिका फॉर इंस्टेंस बिल गेट इज वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ हिज रिचेस, बट दे आर अट्रैक्टिव इवन दो दे डू नॉट पजेस ऑल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। सो हाउ मच मोर अट्रैक्टिव देन गॉड हु इज द पजेसर ऑफ ऑल रिच, उनके पास पूरा धन है। तो आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट, कि आपको समझ में आया होगा कि भगवान कृष्ण किस प्रकार सबसे वेल्दी हैं, सबसे धनी हैं। दूसरा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बल, तो आप देख सकते हैं लोग बोलते हैं आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट, बट नो वन कैन क्लेम, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास पूरा स्ट्रेंथ है, पूरा बल है। मोहम्मद अली बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट, लेकिन
आज वही व्यक्ति एक चाय का कप नहीं उठा पाता है। तो जितना भी हमारे पास बल है वो बल भी कृष्ण से आ रहा है। तो गॉड पजेसेस अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, उनके पास, भगवान के पास असीमित बल है, असीमित बल। उसके उदाहरण आप देख सकते हैं, भगवान, इवन इफ वी सी स्ट्रॉन्ग मैन इन दिस वर्ल्ड, देयर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम कृष्णा, उनकी स्ट्रेंथ भी कृष्णा से आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया। और भगवान की लीलाओं में बचपन से आप देख सकते हैं कि सक्टासुर को मार दिया, छोटी सी आयु में बड़ी राक्षसी पूतना को मार दिया, और उसके बाद जब इंद्र ने बरसात की तो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया। 7 दिन 7 रात जितने भी ब्रजवासी थे उस पर्वत के नीचे आ गए। ये सबसे पहला लॉकडाउन था जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और बिना भूख प्यास के सभी ब्रजवासी उसके नीचे आराम से 7 दिन 7 रात रह पाए। तो ये भगवान का बल है, भगवान की स्ट्रेंथ है। कृष्णा वाज गॉड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज अपीयरेंस। ऐसा नहीं कि आप ये कर लो वो कर लो, 5-6 महीने में आप भगवान बन जाओगे। नहीं, भगवान शुरू से ही भगवान होते हैं। तो दो हमने भगवान के ऐश्वर्य समझे, पहला क्या था, फेम, पहला फर्स्ट वाज रिचनेस, सेकंड वाज स्ट्रेंथ, थर्ड इज फेम। यस, सो बहुत सारे लोग हैं फेमस इस दुनिया में, है ना, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि मेरा जो यस है, मेरा जो फेम है वो हमेशा के लिए चलेगा, अनलिमिटेड है। विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रेट फेमस पर्सनैलिटीज आर डेड एंड गॉन। समय समय पे बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी आए और चले गए, लेकिन इन कॉन्ट्रेस्ट कृष्णा हैज अनलिमिटेड फेम। भगवान कृष्ण का असीमित फेम है, असीमित यस है। मिलियंस इन द वर्ल्ड आर अवेयर ऑफ द फेम ऑफ भगवद गीता। दुनिया में है ना लाखों करोड़ों लोग भगवद गीता के बारे में जानते हैं। और वो भगवद गीता किसने बोली जानते ही होंगे आप, भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण ने बोली। इन ऑल कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड भगवत गीता रेड बाय फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स एंड रिलीजनिस्ट। सो द फेम ऑफ भगवत गीता इज कृष्णास फेम। टिल डेट कृष्ण जन्माष्टमी, अभी फिर से आने वाला है कृष्ण जन्माष्टमी, इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारा आपका जन्मदिन कुछ लोग मना लेते होंगे लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म पूरा विश्व मनाता है। वी कैन सी चौथा जो ऑपुलेंस है वो ब्यूटी। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे सुंदर लोग हैं लेकिन एक समय के बाद उनकी ब्यूटी चली जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्किन बिकम्स श्रीवेल, लिम्स बिकम वीक, हेयर बिकम्स ग्रे, दिस हैपन्स। इन कॉन्ट्रेस्ट कृष्णा पजेस अनलिमिटेड ब्यूटी। भगवान की जो सुंदरता है वो सीमित है। कभी आपने भगवान कृष्ण का कोई बुढ़ापे का ऐसा कोई फोटो नहीं देखा होगा। कृष्णा इज लाइक ए यूथ, यंग फ्रेश बॉय ऑलवेज। ही पर्सनली डिक्लेयर्स इन द भगवद गीता, भगवद गीता में स्वयं भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यद यद विभूति मत सत्वम knows that all opulent, beautiful and Srimat Urjitam Evava, glorious creations, Mama Tejomsa Sambhavam, springs from but a spark of my splendor, मेरी सुंदरता का छोटा सा कण है। See, Krishna is saying in Bhagavad Gita, all the beauty of this world is a spark of Krishna's splendor and beauty. You see, So, पांचवा जो भगवान का ओपुलेंस, ये चेकलिस्ट बता रहे हैं हम आपको, ये 6 पॉइंट हैं, जो 6 ऐश्वर्य अगर किसी के पास अनलिमिटेड हैं वो भगवान है। तो आप किसी को भी डाल के, कोई बोले आपसे मैं भगवान हूं, अच्छा ठीक है अभी रुकिए थोड़ा, आपको 10 किलो का पत्थर देते हैं और उंगली पर उठा के देखिए बताइए जरा, आप तो नहीं उठा पा रहे तो आप भगवान नहीं है। अच्छा अभी आपको चेकलिस्ट में डाल के देखते हैं, नहीं नहीं आप फिट नहीं हो रहे हैं, आप सबसे सुंदर नहीं, आप सबसे फेमस नहीं है, नहीं आप भगवान नहीं है। तो बहुत, क्योंकि आजकल हर कोई आ जाता है मैं भगवान, फिर पता चलता है भगवान तो अभी किसी केस में पकड़े गए और जेल के अंदर चले गए। तो हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है स्क्रिप्चर्स के आधार पर। पांचवा जो भगवान का ऐश्वर्य है वो नॉलेज। बहुत सारे नॉलेजेबल लोग हैं इस दुनिया में, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स मे बी अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बट
एज आई टोल्ड यू द नॉलेज ऑफ भगवद गीता सो सब्लाइम, लोग एक एक श्लोक पर पीएचडी कर रहे हैं. देयर इज नो कंपैरिजन इन द वर्ल्ड टू सच नॉलेज. आज कॉलेज का नॉलेज बदल जाता है, लेकिन भगवद गीता का नॉलेज 5000 साल पहले वही था, आज भी वही है और भविष्य में वही रहेगा. एंड दिस नॉलेज विल बी एप्लीकेबल टू द ह्यूमन सोसाइटी, समाज में ये नॉलेज हमेशा लागू रहेगा. छठवां जो भगवान का ऐश्वर्य है वो है रिनंसिएशन, वैराग्य. भगवान को कैसे वैराग्य है आइए समझते हैं. देयर आर मेनी रिनंसिएंट इन दिस वर्ल्ड, कई वैरागी लोग हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और पूर्ण वैराग्य का उन्होंने उदाहरण दिया. चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम कभी और जानने की कोशिश करेंगे, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं. सो मेनी थिंग्स आर वर्किंग अंडर कृष्णास डायरेक्शन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, सब कुछ भगवान का है. और क्या एवरीथिंग, भगवान बोल रहे हैं ना, मत्त सर्व परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मी, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ कृष्ण का है, हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो भी कृष्ण का है. तो क्या कृष्ण हमसे वो छुड़ाने आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं. तो सब कुछ उनका होने के बावजूद भी उन्होंने हमें दे रखा है. तो इस यहां से हम समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े वैरागी हैं. एक्चुअली कृष्णा इज नॉट प्रेजेंट हियर मीन्स कृष्णा इज नॉट कमिंग टू टेक द थिंग्स फ्रॉम अस, टू स्नैच, हमसे छुड़ाने नहीं आ रहे हैं. एक बहुत अच्छी छोटी सी स्टोरी है. एक विदेशी जब कलकत्ता आए तो उन्होंने कई मंदिरों के दर्शन किए, और कई मंदिरों के दर्शन करने के बाद वो देखते हैं कि काली के हाथ में कई तलवार है, कई, और फिर शिवा के मंदिर गए, उनके हाथ में भी कुछ हथियार है, त्रिशूल है. जब वो मंदिर कृष्ण के मंदिर गए तो कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ नहीं करना. तो उनको समझ में आया ये भगवान है, मीन्स भगवान मीन्स उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. सो गॉड पजेस सो मेनी ऑपुलेंस बिकॉज विद दीज ऑपुलेंस ही अट्रैक्ट्स एवरीवन, ही इज कॉल्ड कृष्णा. भगवान के पास बहुत ऐश्वर्य हैं, इन ऐश्वर्यों से वो सभी को आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए उनको कृष्ण बोलते हैं. कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है, क्या होता है, कृष्णा मीन्स वन हु इज ऑल अट्रैक्टिव. तो फिर हम लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम अट्रैक्ट कब होंगे, जब हम कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में जानेंगे, उनका जब नाम लेंगे, 100% हम अट्रैक्ट होंगे, नो डाउट अबाउट इट. नाउ डेज इट हैज बिकम ए फैशन दैट सो मेनी भगवान्स एंड गॉड्स आर कमिंग, बट देर इज अ डेफिनेशन, देर इज अ टेस्ट विच विल बी एक्सेप्टेड एज भगवान. हु विल बी एक्सेप्टेड एज भगवान? एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, सो मेनी पीपल दे क्लेम, बट हु इज रियल भगवान, वी हैव टू अंडरस्टैंड. कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. तो शास्त्रों में बोला गया है, भागवत में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान हैं. लेकिन अभी 5 मिनट में आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण और देवताओं में क्या अंतर है. फिर कृष्ण भगवान है तो फिर देवता क्या है? तो बहुत सरल तरीके से जान सकते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. प्राइम मिनिस्टर मीन्स सुप्रीम, सबसे बड़े हैं. कैबिनेट मंत्री, किसी को जल विभाग दे दिया, किसी को विदेश मंत्रालय दे दिया, किसी को गृह मंत्रालय दे दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मतलब सबसे सर्वोच्च. ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत को, टू ऑपरेट दिस मटेरियल वर्ल्ड, ऑल देवतास, डेमीगॉड्स, ब्रह्मा जी को क्रिएशन दे दिया, लॉर्ड शिवा को डिस्ट्रक्शन दे दिया, दुर्गा को, ठीक है यहाँ पर देखो पूरा दुर्ग, दुर्ग मतलब ये जो महल है, ये दुर्ग है, ये भौतिक जगत है, इसका पूरा देखो, कोई गड़बड़ ना करे. तो ऐसे इंद्र को पानी बरसात का दे दिया, ऐसे अलग अलग देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए, ऐसे समझ सकते हैं. और इस बात को भगवद गीता में बहुत अच्छे से बताया, आइए हम जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं. अहम आदिर ही देवानाम, आई एम दी सोर्स ऑफ ऑल देवतास, मत्ता परतम नान्यत, ओ अर्जुना देयर इज नो ट्रुथ
superior to me. All the great sages, नारद असिता जितने भी बड़े बड़े जो सेज हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि भगवान कृष्ण सर्वोच्च है, सर्वोत्तम भगवान है. तो फिर देवता कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सो मैनी मिनिस्टर्स आर देयर, उसी प्रकार डेमीगॉड्स आर एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द मटेरियल अफेयर्स. भौतिक जगत में अलग अलग कार्यों को करने के लिए भगवान ने उनको अपॉइंट कर रखा है. तो क्या देवताओं की पूजा करनी चाहिए? तो हाँ, ऐसा बताया गया है हमारी स्क्रिप्चर्स में, व्हेन कृष्णा इज वर्शिप्ड द डेमीगॉड्स हु आर डिफरेंट लिम्ब्स ऑफ द लॉर्ड, क्यों भगवान के निर्देश के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, तो देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है अगर हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं. तो सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन भगवद गीता आप पढ़ेंगे मुख्य रूप से 7th चैप्टर, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. तो देवताओं को फेथ और रिजल्ट्स कौन देता है? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, एंडोर्ड विद सच ए फेथ ही एंडेवर्स टू वर्शिप ए पार्टिकुलर डेमीगॉड. अगर कोई देवी देवताओं की पूजा भी करता है तो भगवान, उसका जो रिजल्ट है वो भगवान से ही आता है. बट इन एक्चुअली देयर इज दीज बेनिफिट्स आर बेस्टोड बाय मी अलोन, ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि जो भी बेनिफिट मिल रहा है वो मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से ही मिल रहा है. श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छे से बताया गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रेना भक्ति योगेना यजेता परमं पुरुष, मतलब पुरुषम परम, मतलब ए पर्सन हु हैज ब्रॉडर इंटेलिजेंस, जिसको बहुत अच्छा ज्ञान है, वेदर ही बी फुल ऑफ मटेरियल डिजायर्स. अकामा, आपको कोई इच्छा नहीं है, आपको बहुत इच्छाएं, या फिर आपको कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, जो भी इच्छा है आपको, यू मस्ट वर्शिप कृष्णा ओनली, ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है. और बोलते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. आप इस्तेमाल करके देखिए आपके जीवन में, कृष्ण की सेवा करके देखिए, कृष्ण का नाम लेके देखिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करके देखिए, तो आप स्वयं महसूस करेंगे. श्रीला प्रभुपाद भी हमें बताते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सुप्रीम गॉड एंड हिज नेम इज कृष्णा. देयर आर मेनी इनकारनेशन, जितने भी इनकारनेशन हैं, अवतार हैं, बट कृष्णा इज द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. जितने भी अवतार हैं उनका जो स्रोत है वो कृष्ण है. कैसे समझ सकते हैं? जैसे मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती को आपने जलाया, फिर दूसरी मोमबत्ती को उससे जलाया, जितनी भी मोमबत्ती आपने जलाई सब में समान प्रकाश है, लेकिन जो पहली मोमबत्ती है वो ओरिजिनल है. तो शक्ति के अनुसार देखा जाए तो भगवान के जितने अवतार हैं वो सब समान शक्ति रख सकते हैं, और कम शक्ति अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत है उतना, लेकिन समान शक्ति रख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है वो कृष्ण है. सो दिस इज द वर्डिक्ट ऑफ व्यास देवा, बड़े बड़े जो आचार्य हैं उन्होंने भी यही बताया. कृष्णा पर्सनली डिक्लेयर्स, खुद भगवत गीता में बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं भगवत गीता, दैट देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू हिम एंड ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है और वही सभी सत्यों के, सभी चीजों के वो स्रोत हैं. तो जैसे मैंने आपको मोमबत्ती का उदाहरण दिया. सो इन टुडे सेशन वी अंडरस्टूड वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने समझने की कोशिश की. आपके प्रश्न जरूर होंगे, तो आप जिन प्रभु जी के, जिन डिवोटीज के संपर्क में हैं उनसे आप जरूर संपर्क करें. अंत में हम केवल 11 टाइम्स 11 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, मात्र 1 मिनट लगेगा, तो आप मेरे साथ 1 मिनट और बने रहिए. सो प्लीज फोल्ड योर हैंड्स एंड चैंट जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. तो लेट्स चैंट टुगेदर, वी विल चैंट टुगेदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और सुन सुन के जाप करें, तब आप स्वयं देखेंगे इसका जो प्रभाव है आपके जीवन में, इतना प्रभाव आएगा, इतना आनंद आएगा आपको कि आप समेट भी नहीं पाएंगे। सो विद दिस मैं कंक्लूड करूँगा, आई कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।